आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति गुट की तरफ से मैंने जो इतने दिनों से लोग प्रयासरत थे हरियाणा में, फरीदाबाद, पंजाब, राजस्थान में मीटिंग चल रही थी उनकी कि इसमें पिटीशन डालें, तो सब लोग संपर्क में आए, उन्होंने कहा इस पर, तो मैंने आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ग्रुप की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इन तीनों कानूनों के खिलाफ याचिका लगा दी है और जिसकी सुनवाई भी आगे जल्दी सुनवाई की मांग हो, जिससे क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन के द्वारा दिल्ली देश की राजधानी में आने से किसानों को रोका जा रहा है। आंदोलन इतना चल रहा है कि प्रतिदिन एक किसान की किसी न किसी तरह से इन धरना स्थलों से मौत हो रही है। जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये क्योंकि ये कानून पूरी तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों और व्यापारिक प्रतिष्ठान और उनके फायदे के लिए है, किसानों के लिए फायदे के लिए नहीं है। और ये कानूनी रूप से सिविल सीपीसी की भी बात करें तो भी उसके आर्बिट्रेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है पूरी तरह से, जो कि कहीं से भी नहीं फिट बैठता है। कई सब ने विचार किया है, लेकिन इसके बाद और दूसरी बात, इसमें किसानों के किसी नेता, किसी किसान संगठन का जब ये कानून बनाया गया था तो किसी की राय नहीं ली गई, उनकी ओपिनियन नहीं ली गई, उनसे बात नहीं की गई। और कोरोना कोविड पैंडेमिक पूरे विश्व में इतनी बड़ी महामारी चल रही थी, उस दौरान सितंबर में जल्दबाजी में जल्दी में किया गया ऐसा निर्णय। और ये डेमोक्रेसी, भारत की डेमोक्रेसी में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना राज्यसभा के उसमें उस तरह से जो सिस्टम होता है, जो हमारा डेमोक्रेटिक नियम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस आधार पर जल्दबाजी में किया गया। और जल्दबाजी में ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। माननीय मोदी जी पिछले टर्न पूरा किया, दूसरे टर्न का एक साल पूरा किया, सब ठीक चला, तो इसलिए किसानों को इस पर बहुत आपत्ति है। और इसीलिए लगभग एक महीना होने जा रहा है और किसान आंदोलन चल रहा है, ठंड में पूरे सर्दी हो रही है, बारिश भी होती है बीच में और पानी की बौछारें भी डाली जाती हैं, ये सब हो रहा है। और दूसरी बात, पहले तो भारत सरकार और किसान का आंदोलन चल रहा था कि भारत सरकार के इस कानून के खिलाफ है किसान, फिर बीच में जवान को लाके जवान और किसान को आपस में लड़वाया गया, अब दूसरी बात किसान और किसान को लड़ने की बात हो रही है। तो इस तरह से इस तरह के कानून जिसमें भारत का किसान सुखी नहीं है, अपने को सुरक्षित नहीं मान रहा है, कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियों के भंडार गृह बने भरे जाएंगे, उसके आधार वो अपनी कीमत के अनुसार उनको देंगे, और ये सब कुछ हो रहा है, गलत है, गैर कानूनी है। इन सब बातों को देखते हुए साफ तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था पिछली सुनवाई पर, जो मैं भारतीय किसान भानु की तरफ से आर्गुमेंट कर रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये हम धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं रोक सकते, ये डेमोक्रेसी की चीज है, डेमोक्रेसी इसके आधार पर चलती है, हम जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हो रहा हम उसको नहीं रोकेंगे। और अटॉर्नी जनरल से भी पूछा था कि आप इन तीनों कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाने के लिए हमें कोर्ट को एश्योर करें। तो ये सब चीजें हैं। और मैं किसानों से भी इस बात को कहना चाहता हूं कि किसान भी अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो देश की सर्वोच्च अदालत है, जिस पर सभी को विश्वास है, और माननीय न्यायाधीश भी किसानों से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं वो उनसे दूर हैं या उनसे उनका बैर है, वैमनस्यता, ऐसा बिल्कुल नहीं, तो जो उसकी प्रोसीडिंग में आए और जब बुलाया जाए कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित हों और आए, जिससे कि पता चले, बात डायलॉग से बनेगी, आपस में बात करनी पड़ेगी, कानून वापस कराने के लिए बात करनी पड़ेगी, कोई सुधार कराने के लिए बात करनी पड़ेगी, आपको बैठना पड़ेगा, जब बात हो तो उसमें शामिल हो और अपनी बात को रखे, जिससे माननीय सर्वोच्च अदालत भी आगे अपने निर्णय पर पहुंच सके।